नमस्कार दोस्तों, चलते हैं आज के वीडियो में आप लोग को दिखाते हैं वलीपुर चौराहा। तो अभी कंटिन्यू लगातार हमारा व्लॉग चल रहा है और आप लोग के रिकमेंडेशन से जगह जगह पे हम चीज़ें देख रहे हैं और आपको दिखा भी रहे हैं। और अभी के वीडियो में हम चल रहे हैं वलीपुर चौराहा, दिखाते हैं आप लोगों को, क्योंकि वलीपुर चौराहा एक ऐसा चौराहा है जहाँ से कई सारे रास्ते कई सारे गाँव जुड़ते हैं। तो अभी फ़िलहाल जिस रोड से हम जा रहे हैं ये लखनऊ बनारस वाली हाईवे से गौरीगंज मोड़ से निकल के बाबा सिद्धादास धाम हर गांव में जाके मिलता है। तो ये सड़क बहुत ज़्यादा जर्जर हो चुकी थी, लेकिन यहाँ के विधायक के अथक प्रयास से इसका दोबारा से निर्माण कार्य चल रहा है और दुरुस्तीकरण के साथ यहाँ पे साइड में मिट्टी अच्छे से डाल के फिर यहाँ पे पत्थर डाला गया, फिर यहाँ पे बालू डाला गया। अभी आगे का प्रोसेस जो भी होगा आप देखते रहेंगे। और इसी बीच अभी हम वलीपुर चौराहा वलीपुर गाँव हम एंटर कर चुके हैं और आप लोग को दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे एक टावर भी है और किसी कंपनी का है। पता करते हैं कौन सी कंपनी टावर है, कौन सी कंपनी टावर है? जियो। जियो का नेटवर्क सही रहता है? कौन सा गांव आगे, कौन सा गांव है? वलीपुर है। वलीपुर हाँ। और आसपास में कौन कौन से गांव है? ये बिस्मिल्लापुरा है हाँ। बगल में टोर है, दिलेपुरा है। अच्छा नबीपुर है बगल के। क्या नाम है तुम्हारा? सुहेल खान। धन्यवाद भाई है, बहुत सारे लोग तुमको देख रहे हैं, देख सकते हो ऑनलाइन। तो यहाँ पे अभी हम इंटर कर चुके हैं, जियो का टावर लगा था जैसा कि बताया आसपास के गांव के बारे में। तो ये गांव का नज़ारा आप लोगों के बीच वलीपुर का, और अगर कोई परिचित मिलता है तो एक सेकंड या एक मिनट के लिए रुकते हैं। उत्तर प्रदेश ग्रामीण का प्रबंधक ग्राहक सेवा केंद्र वलीपुर अभी हम पहुँच चुके हैं। तो हमें लगता है भाई यहाँ पे तो दिख नहीं रहा खास, तो आगे थोड़ा सड़के दिखा देते हैं। हमारे स्किन केयर एंड क्लिनिक यहीं पे गुरुदयाल रामपति शिक्षा संस्थान एक स्कूल भी है वलीपुर का, और यहाँ पे बच्चे अभी सुबह सुबह स्कूल नज़र आते दिखाई देते हैं। तो वलीपुर गांव जो एक ऐसा गांव है, बताए आप लोग को, कई सारे गाँव के बीच को जोड़ता है, क्योंकि वलीपुर एक चौराहा है जो लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, छोटी मोटी चीज़ों को पूरा करता है। इससे तो वलीपुर गांव हम पार करते हुए बाहर की तरफ पहुंचने वाले हैं। यहां से आगे जाएंगे तो आगे जाके एक ईट भट्टा आएगा और वो एक लहर आएगी, बड़ा कीचड़ है स्लीपी रोड। तो यहां से यू टर्न मारेंगे और फिर से वलीपुर वाले रोड की साइड चलते हैं गांव की तरफ। उससे पहले चलते सामने वहाँ पर दूर एक भट्टा दिखाई दे रहा है, और यहीं से अगर लेफ्ट साइड चलेंगे तो नबीपुर आ जाएंगे। तो आप लोग क्या कहना चाहते हो, यहीं से राउंड कर लिया जाए? थोड़ा सा सोचते हैं फिर आपको बताते हैं। चलिए अभी तो सुबह का समय है, वहाँ पे भी कोई नहीं दिख रहा, तो अभी यही करते हैं हम, यहाँ से हम राउंड करते हैं सीधा नबीपुर वाले रास्ते से होके निकलते हैं और उसके बाद ब्लॉग कंप्लीट करते हैं। तो चलिए अब इसी वीडियो में आपको नबीपुर का भी नज़ारा दिखा दिया जाए। उससे पहले थोड़ा सा चेकिंग, चेकिंग हमारी सही है, मतलब वीडियो कंटिन्यू चल रहा है, अच्छे स्कूल जाते नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे खड़ी वाला रास्ता है। बहुत सारे हालात ऐसे हैं गाँव में सड़कों के कि वो आप कह नहीं सकते और बस केवल आप देख सकते हैं। सुबह की शुरुआत में अभी हम नबीपुर गाँव पहुँचने वाले हैं। तो इस वीडियो में वलीपुर नबीपुर दोनों एक भाई भाई गांव की तरह, जैसे नाम देख सकते हैं वलीपुर नबीपुर, तो दोनों भाइयों को आज इस वीडियो में दिखा देते हैं। और बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे, स्कूल जा रहे हैं तैयारी में पूरा। जय हिंद। बच्चों को सुनाई नहीं दिया होगा हेलमेट के अंदर से। तो अभी हम नबीपुर गांव के करीब हैं और बच्चे स्कूल जा रहे हैं सुबह सुबह। क्यों भाई वही साहब जा रहे हैं, बहुत स्लो चलेंगे क्योंकि आपको गांव एक्सप्लोर करना है, गांव दिखाना है, और गांव के माध्यम से हम आपको बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं लोगों की ज़िंदगी में, वो सारी चीज़ दिखाते हैं। तो ये नबीपुर गाँव है और यहाँ पे आस पास में भी कई सारे गांव जुड़े हुए हैं जो बहुत छोटे छोटे गांव होते हैं, पता भी नहीं चलता, लेकिन गांव का नाम बदल जाता है।
दादी जी बच्ची को लेके निकल ली हैं और यहाँ पे घर में देखो क्या बोलते हैं गोबर से लिपाई चल रही है। सुबह सुबह लोग आग जला के सेक रहे हैं। तो ये नबीपुर गांव आप लोगों को बीच दिखाते हुए हम बाहर निकलेंगे और जो आगे जाके सीधा हारिमो कस्बा के मेन रोड पे जाके मिलेगा। जगह जगह ब्रेकर मिलेगा गांवों के इस नज़ारे में। यहाँ पे हमने देखा पूरा यहाँ का जो इंटरलॉकिंग है बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है और सराहनीय है। और कुछ ना कुछ चीज़ें तो रही जाती हैं, तो छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं इतना। और नबीपुर गांव आप लोगों के बीच यहाँ से आके हम आगे बढ़ के आ चुके हैं। वहाँ से आगे एक गाँव है, कई सारे गाँव देखो आते जाते भी इधर से लेकिन भूल जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर बता दिया करना कि इस जो हमारे वीडियो के टाइमिंग में कौन सा गांव चल रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना टाइम के साथ। आप लोग कई लोगों ने ऐसा ऑलरेडी किया है, बट फिर से हम चाहेंगे कि जहां हमें नहीं मालूम आप लोग ज़रूर याद दिलाएं। और ये क्या बोलते हैं नबीपुर गांव से अगर हम क्रॉस करते जाएंगे तो दक्षिण गांव मौजा का, हाँ एक चीज़ और बताना चाहेंगे, दक्षिण गांव मौजा की ग्राम सभा में आता है सारा एरिया जो दक्षिण गांव मौजा है। वहाँ से कई सारे गांव जुड़े हुए हैं इस मौजे में, करीब 12 गांव। तो अभी हम दक्षिण गांव मौजा के नबीपुर वलीपुर दिखा के आगे आ चुके हैं। अभी आपको दिखाएंगे जहाँ पे यहाँ पे प्रधान चुनाव का कार्य होता है और प्राथमिक विद्यालय यहाँ का। तो रास्ता बड़ा ख़राब है ये चीज़ तो कहना चाहेंगे, आप लोग भी जानते हैं यहाँ का जो रास्ता है। थोड़ा से पूछें क्या, अच्छा आगे रास्ता ऐसे ही ख़राब पड़ा है क्या, ये पीछे जैसे ख़राब देख रहे हो? अच्छा कब से ख़राब है रोड पता है? स्कूल नहीं जाते का? तो कहे बोलते हैं बच्चे उरी शर्माते हैं बच्चे। चलो बच्चे क्या बोलेंगे इतना ज़्यादा, तो क्या बोलते हैं जब कोई कैमरा सामने होता है ना तो सब लोग भी डरते हैं बोलने से। अच्छा आगे कौन कौन सा गाँव है, आगे कौन कौन सा गाँव है? दक्षिण गांव है। अच्छा हारिमो, हाँ तो यहाँ से क्या आगे स्कूल पढ़ता है वो कौन सा गांव है? आगे स्कूल आगे जाओ मिले नहीं, गांव कौन सा स्कूल वाला? ये लाल पासिंग, लाल पासिंग का पुरवा दक्षिण गांव हो जाए ना। चलो ठीक है, हाँ लाल पासिंग का पुरवा है जहाँ प्राथमिक विद्यालय भी है। और बस करीब ही है, पहुँच गए हैं, आप लोग को दिखाएंगे। हाँ रोड की बात हो रही थी, रोड तो बहुत बुरा हाल है यहाँ का भी। और हमें लगता है सदियों से इस रोड पे गिट्टी की छटाक भी नहीं पड़ी होगी और जब से आते हैं ऐसे ही रोड देखते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, गांव-गांव की सड़कों का भी हालचाल ठीक होना चाहिए। ये हम नहीं जनता चाहती है, हम क्या चाहेंगे, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। जनता चाहेगी तो कुछ भी कर सकती है और जनता के ही सुविधा के लिए सरकार चीज़ों को आगे बढ़ाती है। फिलहाल अभी लाल पासिंग पूरा पहुँच चुके हैं सामने वाले और विद्यालय दिखाई दे रहा प्राथमिक विद्यालय और सूर्योदय का एक नज़ारा आप देख सकते हैं। तो इस गांव के करीब ये प्राथमिक विद्यालय है जहाँ पे यहाँ पे चुनाव पंचायत प्रधान चुनाव का इलेक्शन होता है इसी में। तो यहाँ पे लिखा है आंगनबाड़ी केंद्र कोड दक्षिण गाँव जिला अमेठी, तो इसमें दोनों चीज़ें हैं। तो ये दक्षिण गाँव मौजा का मेन हिस्सा है, मेन जगह है जहाँ पे लोग अपना मतदान करने आते हैं और ये वो गलियाँ हैं जहाँ पे आप लोग इंतज़ार करते हैं मतदान के समय। सही कह रहे हैं गलत, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। पूरा सरपत वाला एरिया है यहाँ पे। और हाँ आप सड़क निर्माण पे क्या क्या हुआ ये देखिए, जगह जगह पे डामर की पट्टी मारी गई है जहाँ पे ज़्यादा खतरा था, किस तरह मॉडिफाई किया गया है। चलो यहाँ से दो रास्ताएँ बनती हैं, एक सामने हारिमो कस्बा दूसरा दक्षिण गाँव। तो डिसाइड करते हैं किधर जाना है। फिलहाल टाइम के अकॉर्डिंग अभी हम आप लोग को दक्षिण गांव की तरफ नहीं, हम सीधा हारिमो कस्बा की ओर होते हुए निकल जाएंगे। जो इधर भी हारिमो कस्बा नहीं है, दूसरे गांव में आता दक्षिण गांव मोटा में आता, तो वहीं से होते हुए हम निकल जाएंगे लेफ्ट साइड करके। तो क्योंकि टाइम भी बहुत कम है, फिर और भी अगले ब्लॉक की तैयारी करना है। ये रास्ता है, ये वाला रास्ता है, यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा गार्डन है और पीछे यहाँ से चल रहे हैं सीधा जल्दी कस्बे। हाँ बिल्कुल भूल जाता है, चलिए भूलता
चाहिए भाई साहब बकरी को खिलाने के लिए नीम की डाल को काट रहे हैं, अचानक से गिरी। तो ये अभी हम ये रास्ता जो देख रहे हैं ये आगे जाके दक्षिण गांव मुर्गा का गौरीगंज रोड में मिलेगा, जहाँ पे प्राथमिक विद्यालय वहाँ पे। ये लो बैल क्या बोलते घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी अस्य कल्याण परियोजना ग्रुप इंडिया अमेठी 6-7 बार साफ ताजा पानी पिलाओ पेट दर्द दूर करो, ऐसा वॉशरूम में लिखा था, बाथरूम में लिखा हुआ था। और यहाँ पे बहुत सारे लोग का घर है, यहाँ पे जो क्या बोलते हैं मिट्टी के सामान बनाते हैं, मिट्टी के दिया और वो सारी चीज़ें बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे। तो अभी हम करीब आ चुके प्राथमिक विद्यालय है, जो दक्षिण गांव का है या हरिमऊ का है वो आपको पता लग जाएगा। प्राथमिक विद्यालय देखो बच्चे आगे शायद अभी समय नहीं हुआ है, वैसे प्राथमिक विद्यालय हरिमऊ प्रथम विकास क्षेत्र जनपद अमेठी, तो हरिमऊ का प्राथमिक विद्यालय है, बच्चे प्रतीक्षा कर रहे हैं बट अभी विद्यालय ओपन नहीं हुआ है। तो करीब 8 बजने वाले हैं, 8 बजे होगा, हो सकता है बच्चे लेट, यहाँ के जो गेटमैन है वो लेट हो। तो ये लोग फाइनली अभी हम अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी हम गौरीगंज रोड पे आ चुके हैं हरिमऊ कस्बा के। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों ने क्या क्या देखा वो लोगों वो चीज़ें बताइए और कमेंट कीजिए। और हमने स्टार्ट किया था वलीपुर से पहले, और वलीपुर गाँव दिखाया, नबीपुर गाँव दिखाया, वासन का पुआ दिखाया, ऐसी कई सारी चीज़ें दिखाई। और फाइनली अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं हरिमऊ कस्बा होते हुए, तो अब यहीं पर आपका ब्लॉग समाप्त होता है। और आप लोग नए ब्लॉग से वॉइस थोड़ा हमारी अभी अटाऊ है इसमें, और हो सकता है अगले वीडियो में अच्छी आए, तो आप लोग को अगर तकलीफ हो सुनने में तो एक हेडफोन जरूर लगा के सुनो, हेडफोन लगा के सुनोगे तो अच्छी जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जय हिंद जय भारत।